इसके बाद मैं अपने खिताब के लिए जनाब एसोसिएशन जनाब मुजीब अहमद साहब सर तशरीफ लाएँ और 14 अगस्त के हवाले से अपने ख्याल का इजहार करें। तमाम चैम्बर के मेम्बरान और जहाँ पे चूका है ना, सबको मेरा सलाम और सबको में हमारे प्यारे मुल्क के 75वें जश्न आज़ादी की भी मुबारकबाद देता हूँ। बहसीत से एक पुलिस अफसर अंबिहाफ हमारे जो केटी के सिपा सलार हैं मौजम जान सारी साहब, हमारे डी जी निर्भय साहब, डीपीओ इमरान शाह साहब और पूरे हरिपुर पुलिस की तरफ से भी आपको ये दिन मुबारक हो। हम दुआ गो हैं कि ये दिन हजारों साल आता रहे और हम उनको इसी तरह मनाते रहें। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे दोस्त ने गिल्ला किया, शिकवा किया, हमें उनके शिकवे से इनकार नहीं, लेकिन ये इल्ज़ाम हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ज़िली इंतजामिया इस रौनक या इस मुबारक दिन को इग्नोर करती है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हरिपुर में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, इंतजामिया, पुलिस और आवाम, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सब एक पेज पे हैं। सुबह से मैं देख रहा हूँ कि जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब एक लम्हे के लिए भी फारिग नहीं है, कभी एक प्रोग्राम में जाते हैं कभी दूसरे में। मैं सुबह 8 बजे का निकला हुआ हूँ, हमें जिसने भी तलब किया, जिसने भी इनवाइट किया, हमने वहाँ पे हाजिरी जरूर दी है। अलबत्त एक बात है कि हमारे इस प्रोग्राम को या इस इवेंट, इस दिन को मनाने का तरीकेकार अलग होता है, आप लोगों का अलग होता है, हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, आप लोगों को तो मुकम्मल आज़ादी है। अब हम आपकी तरह ना तो बाजे बजा सकते हैं और ना शोर का फुगान कर सकते हैं, हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि आपकी जान माल और इज्जत की हिफाजत के लिए अपने खून का नजराना दें। हम किसके लिए यही कह रहे हैं, एक लम्हे के लिए अगर हम सोचें कि हमारा नौजवान तबका किस साइड से जा रहा है। कई सालों से मैं देख रहा हूं कि हमने बाजे बजाने पर बड़ा जोर दिया हुआ है, लेकिन और हम इस पाकिस्तान से यही शिकवा करते हैं कि इस पाकिस्तान ने, इस मुल्क ने हमें क्या दिया है, हमें तो बहुत कुछ दिया है। हमारे मजहब की आज़ादी, हमारी बोलने फिरने की आज़ादी, हर चीज़ तकरीर की आज़ादी, यहाँ तक कि हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेज, अपने सदर, अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पुलिस के खिलाफ आज़ादी से इजहार राय करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने दीवानों में जाना है कि हमने इस मुल्क को क्या दिया है, हमने कौन सा तीर मारा है, हमने कौन सी ऐसी कुर्बानी दी है ताकि हमें फख्र हो, हमारे आने वाले नस्ल को हम पे फख्र हो। हम तो ये फख्र करते हैं कि अगर किसी ने इस तस्वीर को देखा है, इन कुर्बानियों से हमें ये पाकिस्तान मिला और हमें तो प्लेट में सजा के दिया गया है पाकिस्तान, इन हमारे आबा व अजदाद ने प्लेट में आज़ादी हमें दी है। अब ये हमारा काम है कि हम इसको मेंटेन रखें, इस पाकिस्तान की मजीद तरक्की के लिए हम काम करें दिन और रात। के पी पुलिस ने जो गुजरी लहर है टेररिज्म की, तकरीबन 2000 से ज़्यादा अपने जानों का नजराना पेश किया है, ये सिर्फ के पी पुलिस की बात में कर रहा हूँ, 2000 से ज़्यादा। और रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आप सोशल मीडिया पे देखना चाहते हैं देख सकते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे कहीं ना कहीं पे हम 1, 2, 3 हमारे ऑफिसर अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं और इंशाल्लाह देते रहेंगे। तो हम सिर्फ आपसे मॉरल सपोर्ट चाहते हैं,
हम इंशाल्लाह दिन और रात आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए जानते रहेंगे ताकि आप सबको से छोड़ते रहें और आराम से अपनी जिंदगी गुजारते रहें। मैं पुलिस की तरफ से वादा करता हूँ हम हरदम तैयार हैं। हाँ, एक बात मेरे जहन से निकल करके आपको बता दूँ कि पिछला जो टेररिज्म का दौर गुजरा है उसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हजार रिजन ऑलमोस्ट महफूज रहा है, बहुत ज्यादा अल्लाह ने इस खत्ते पे बड़ा रहम किया है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि एक बार फिर ये तजाली इतना सर उठा रहा है, स्वाद में दूसरी जगह पे आहिस्ता आहिस्ता उनके बाद नवदार होने शुरू हो गए हैं। हम सिक्योरिटी फोर्सेस उनका मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे। सिर्फ आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग भी चौकन्ना रहें, अपने इर्द गिर्द पे नजर रखें और जिसको भी जो भी अल्लाह को ऐसी मशकूक घर पर कोई ऐसा मशकूक शख्स मालूम हो तो आपसे इतमाज है कि फौरी तौर पर जिले इंतजामिया पुलिस वन फाइव किसी में किसी को किसकी इतला दिया करें। आए हम सब ये अहद करें कि इंशाल्लाह जब तक हमारी सांस रहेगी हम पाकिस्तान की खिदमत करते रहेंगे और अपनी कुर्बानी देते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।